मधुबाला सीजन 2, जी हाँ, जहाँ पर आपको नज़र आए आरके और मधुबाला के कैरेक्टर में विवेन डिसेना और दृष्टि धामी, इन दोनों की जोड़ी बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई थी मधुबाला शो से। जी हाँ, दोनों की जोड़ी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लोग दीवाने थे इस जोड़ी के और आज भी दीवाने, और यही वजह है कि सीज़न 2 की डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है। लोग देखना चाहते हैं एक बार फिर से मधुबाला का सीज़न 2। आपको बता दें, जब से सीज़न 2 का क्रेज़ चला है तब से इस शो की डिमांड चल रही है। अगर कलर्स टीवी के किसी शोज़ की हम बात करें तो उसमें से ससुराल सिमर का था, जो कि जिस सीज़न 2 की डिमांड बहुत ज़्यादा हाई थी, एंड कसम सीज़न 2 की डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है, और मधुबाला सीज़न 2 की डिमांड बहुत हाई है, जिसमें से ससुराल सिमर का सीज़न 2 आप लोगों ने देख ही लिया होगा। बच्चे हैं हमारे कसम और मधुबाला। सो देखने वाली बात ये होगी कि आखिर इन सभी शो के सीज़न 2 कब आएंगे। पेशेंस रखिए, जिस तरीके से ससुराल सिमर का सीज़न 2 आया है वैसे ही आपको मधुबाला और कसम का भी देखने को मिलेगा। दृष्टि धामी और विवेन डिसेना की अगर हम बात करें तो देखने वाली बात होगी क्या सीज़न 2 में भी वही स्टार कास्ट आपको देखने को मिलेगी। यूं तो देखा जाए ससुराल सिमर में आपको स्टार कास्ट पूरी तरह से चेंज मिली है, बावजूद उसकी TRP बहुत ही ज़्यादा हाई आ रही है, नंबर 1 पर शो चल रहा है, लोगों को बहुत ज़्यादा एंटरटेन कर रहा है। सो ऐसे में क्या एक बार फिर से दृष्टि और विवेन दिखेंगे सीज़न 2 में, ये जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसको लेकर कुछ क्लियर नहीं बोला जा सकता है। जी हाँ, आने को तो आप देख भी सकते हैं, ये आप सीज़न 1 के स्टार कास्ट को ही देख पाए अगर आप लोगों की डिमांड हाई रही, लेकिन अगर मेकर्स को कुछ और ही स्क्रिप्ट रास आई, कुछ और ही तरीके का उनके दिमाग में प्लानिंग हुई, तो फिर नहीं कहा जा सकता है। जी हाँ, वो नए स्टार कास्ट को लेकर भी आ सकते हैं। सो अपनी एक्साइटमेंट बरकरार रखिएगा। अगर मेकर्स की हम बात करें तो वो फैंस के डिमांड पर ही आगे काम करते हैं। सो अगर फैंस की डिमांड रहती है देखने की मधुबाला सीज़न 2 की, और वहीं विवेन डिसेना और दृष्टि धामी को देखने की, तो डेफिनेटली आपको ये दोनों जोड़ी, ये दोनों एक्टर्स एंड एक्ट्रेस ज़रूर नज़र आएंगे। वहीं इसके अलावा अगर बात करें तो विवेन डिसेना सिर्फ तुम शो में फ़िलहाल के लिए नज़र आ रहे हैं, और दृष्टि धामी की बात करें तो वो भी वेब सीरीज़ की ओर रुख कर चुकी हैं। सो देखते हैं कि इन दोनों को कास्ट करके एक बार फिर से डेली शो में कैसे लाया जाता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा इन दोनों को एक बार फिर से देखना, एक बार फिर से वही पुरानी यादें ताज़ा करना। अपनी एक्साइटमेंट ज़रूर कमेंट करके बताना, वीडियो अच्छा लग गया हो तो लाइक शेयर करना ना भूलना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।